ताकि हम सरकार कर सके पंचायत राज की जो संस्थाएं हैं इसको आज 25 साल पूरे हो रहे हैं। इन 25 सालों में हमारी पार्टी का, हमारी सरकारों का बड़ा सकारात्मक रुख रहा और आज लाखों की तादाद में जो जनप्रतिनिधि गांव, पंचायत, वार्ड, नगर पालिका में काम कर रहे हैं, ये एक बहुत सकारात्मक कदम रहा। लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि कम से कम राजस्थान में हमने देखा है कि पंचायतों को, पंचायत के चुने हुए नुमाइंदों को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है, चाहे फंडिंग देने की बात हो या प्रशासनिक ताकत जो हमारी सरकारों में दी थी उसको कहीं ना कहीं वापस लिया गया है। और आज पंचायत राज को खोखला करके काम करने की मंशा सरकार की दिखती है। सरकार, मैं समझता हूँ कि पंचायती राज के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को एक बोझ मानती है, वो एक लाइबिलिटी मानते हैं, उनको सहभागी बनाकर, उनका समाग्रह कर आगे बढ़ने की नीयत उनकी लगती नहीं है। तो आज 25 साल पूरे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों लेकिन जीत कर आए हैं, उनका दायित्व है विकास हो, निष्पक्षता से काम हो। वो आज कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि दुर्भावना से प्रदेश की सरकार काम कर रही है। 5-6 महीने के बाद चुनाव होंगे विधानसभा में। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताना चाहता हूं कि जब राज कांग्रेस का बनेगा, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो पंचायतों को, जिला परिषदों को, नगर निगमों को जितना कमज़ोर बीजेपी की सरकार ने किया है, हम उतना ही ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। ये बात के लिए कांग्रेस पार्टी संकल्प ले चुकी है आज।